हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी सेलेरियो का। सेलेरियो का ये नया मॉडल आया है, न्यू मॉडल 2021 में लॉन्च हुआ था। और बात करें सेलेरियो की प्राइसिंग के बारे में तो 4,99,000 से स्टार्ट होकर इसकी प्राइसिंग आगे जाती है। और बात करें इस पर्टिकुलर वेरिएंट की तो ZSI वेरिएंट है मैनुअल गियरबॉक्स के साथ, और इसमें आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। और बात करें वेरिएंट्स की तो इसमें आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस। और बेस वेरिएंट छोड़ के आपको अपर तीनों वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ। और बात करें इस पर्टिकुलर कलर ऑप्शन की तो ये आपको वाइट कलर मिल जाता है, और जो इसमें और भी अवेलेबल कलर हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और की बात करें तो इसमें आपको 2 कीज़ मिल जाती हैं पीछे की तरफ, इसमें आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और इसमें आपको सेंटर लॉकिंग भी मिल जाती है जिसमें आपको नॉर्मली लॉक अनलॉक के 2 बटन दिए गए हैं। किसी भी मारुति सुजुकी का कोई भी प्रोडक्ट आप अगर उसके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा। आप मेगा मोटर्स में इसे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट डिटेल सारी वेरिएंट की या किसी भी कार की आप उसमें ले सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट से। तो इसमें आपको फ्रंट में नॉर्मल इसमें आपको रिफ्लेक्टर बल्ब मिल जाते हैं हाई बीम लो बीम के लिए, और नीचे की तरफ इसमें पार्किंग लैंप मिल जाता है, और ऊपर की तरफ इसमें हलोजन इंडिकेटर मिल जाता है, और नीचे की तरफ इसमें आपको फॉग लैंप की हाउसिंग मिल जाती है। मगर इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप इसे अपर वेरिएंट लेते हैं ZXI प्लस वेरिएंट तो उसमें आपको फॉग लैंप भी मिल जाता है। और सेंटर में इसमें आपको सुजुकी का लोगो और इस ग्रिल को कनेक्ट करता हुआ आपको क्रोम की सराउंडिंग मिल जाती है, और सेंटर में आपको नंबर प्लेट का प्रोविज़न मिल जाता है, और नीचे की तरफ इसमें आपको रेडिएटर ग्रिल भी मिल जाती है। साइड से बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले टर्न इंडिकेटर ORVM पे मिल जाते हैं, और जो ORVMs का कलर है वो भी आपको बॉडी कलर देखने को मिल जाता है। टायर सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको 165/70 R14 इंचेस के आपको स्टील व्हील मिल जाते हैं विद फुल व्हील कैप। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और इसमें आपको यहाँ से आप मैनुअली इसको सेंटर लॉकिंग ऑपरेट कर सकते हैं अगर आपकी रिमोट की बैटरी डेड हो जाती है। और बॉडी कलर इसमें आपको डोर हैंडल्स भी मिल जाते हैं, और इसमें आपको जो बी पिलर मिलता है वो भी बॉडी कलर मिलता है, किसी भी ब्लैक टेपिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और रियर से बात करें तो गाड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है। ये ZXI वेरिएंट है तो इसमें आपको वाइपर वॉशर डिफॉगर इसमें आपको सारे मिल जाते हैं। अगर आप इसे बेस वेरिएंट लेते हैं LXI या VXI तो उसमें आपको वाइपर वॉशर कुछ नहीं मिलता है, डिफॉगर भी नहीं मिलता है, और इसमें आपको सेंटर में ही वॉशर मिल जाता है, उसके नीचे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाती है, और ये आपको वाइपर मिल जाता है, और ये डिफॉगर इसमें मिल जाता है। और इसमें आपको सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और लेफ्ट साइड कार के आपकी सेलेरियो की बैजिंग मिल जाती है, और राइट साइड किसी भी प्रकार की बैजिंग नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं वेरिएंट की कोई भी बैजिंग इस बार मारुति ने नहीं। अगर आप इससे पहले वाली सेलेरियो लेते तो आपको यहाँ पर ZXI की बैजिंग मिल जाती थी जो कि अब डिसकंटिन्यू कर दिया है। और नीचे की तरफ ये आपको बूट ओपनिंग हैंडल मिल जाता है जिसे आप प्रेस करके बूट को ओपन कर सकते हैं, और बूट को ओपन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के यहाँ पर की होल कोई भी नहीं प्रोवाइड किया गया। आप इसे आगे से ड्राइवर साइड से ओपन करके बूट एक्सेस कर सकते हैं, और नीचे की तरफ नंबर प्लेट का प्रोविज़न मिल जाता है, और आपको बोथ साइड रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। और सबसे खास बात एक आपको मैं बताऊं, इसमें आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं 2 जो कि अलग से शो नहीं होते, आप इसमें देख सकते हैं रिफ्लेक्टर में ही इंटीग्रेटेड है रिवर्स पार्किंग सेंसर, और दोनों साइड आपको ऐसा मिल जाता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड भी इसी के इंटीग्रेटेड मिलते हैं, और नीचे की तरफ एग्जॉस्ट टेल पाइप भी मिल जाता है, और उसी के बगल में आपको इसमें टोइंग हुक भी मिल जाता है। तो ये सब था गाड़ी का साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और बात करते हैं इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स सेलेरियो ऑफर करती है जो न्यू सेलेरियो है। आइए चलते हैं इंटीरियर में। सबसे पहले बात करें ड्राइवर साइड सीट की तो इसमें किसी भी प्रकार का आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं मिलती, और इस लीवर से आप खाली इसका रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ फ्यूल लिड ओपनर मिल जाता है, इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको लेफ्ट साइड में मिलता है। और गाड़ी का अगर आप हुड खोलना चाहते हैं तो आपको ये कंट्रोल मिल जाता है, इसी को आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी का हुड यहीं से ओपन हो जाएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील से। तो इसमें आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है, नॉर्मल आपको इसमें सर्कुलर स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, और सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो और एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, और जो आपको लेफ्ट साइड ऑडियो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ आप ये अगर पार्ट देखेंगे वी शेप में जो है ये इसमें आपको सिल्वर कलर का यूज़ किया गया है। और मीटर कंसोल की बात करें तो मैं एक बार आपको ऑन करके दिखा देता हूँ मीटर, इसका एनिमेशन आपको कैसा दिखता है।
आप पहले देख सकते हैं इस तरफ आपको की होल मिल जाता है। अगर आप इससे अपर वेरिएंट लेंगे ZXi प्लस तो आपको इस तरफ आपको इसमें पुश स्टार्ट का बटन मिल जाएगा और ये आपको तीन डमी बटन्स मिल जाते हैं और ये आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको मिल जाता है जिसे प्रेस करने से आप यहीं से ऑन कर सकते हैं ऑफ कर सकते हैं। और मिरर्स की कंट्रोलिंग की बात करें तो ये आपको यहीं से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं, आप इसे प्रेस करके मिरर्स की एडजस्ट कर सकते हैं और ये लेफ्ट और राइट यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं मीटर कंसोल के बारे में तो आप ये ऑन करके देख सकते हैं इसका एनिमेशन। ये आपको वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इसमें आपको कुल वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं। ये सेंटर में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है जिसमें 180 तक मार्किंग है। छोटा सा टैकोमीटर दिया, इसे आप 8000 आरपीएम तक रेव कर सकते हैं। और जो आपको सेंटर में दिखाएगा, आपको सेंटर में इसकी गाड़ी कितना टोटल ट्रैवल कर चुकी है वो किलोमीटर्स दिखाएगा। नीचे की तरफ आपको इसमें टाइम भी शो करता है और उसके सबसे नीचे आपको इसमें फ्यूल शो करता है। आप इस समय देख सकते हैं फ्यूल लो है तो गाड़ी इंडिकेशन ब्लिंक हो रहा है और इसको आप कंट्रोल करने के लिए ये स्टिक से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसे आप प्रेस करेंगे तो इसमें आपको इसे प्रेस करने से आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से ट्रिप ए ट्रिप बी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद गाड़ी यहाँ पर माइलेज शो करती है, इस समय आपको रेंज भी यहाँ शो करता है और उसके बाद टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आ जाता है इसके बाद फिर से। और आपको इस साइड वार्निंग लाइट्स मिल जाती है जिसमें इंजन की लाइट है, सीट बेल्ट की रिमाइंडर की लाइट है, बैटरी वगैरह और इसमें आपको हैंड ब्रेक की भी लाइट मिल जाती है। राइट साइड कंट्रोल के बारे में बात करें तो यहाँ आपको हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल मिल जाते हैं जिसमें आप पार्किंग लैंप यहीं से ऑन कर सकते हैं और टर्न इंडिकेटर भी कंट्रोल आपको यहीं मिल जाते हैं। और राइट साइड आपको इसमें वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, इसे आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। रियर वाइपर और फ्रंट वाइपर आप यहीं से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पर लेवलिंग स्विच के बारे में तो आपको यहाँ नीचे की तरफ मिल जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं यहीं से आपको लाइट को आप यहाँ से लेवल कर सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले सेंटर से। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है और इसमें आपको वार्निंग भी शो करता है MID से रिलेटेड। आप देख सकते हैं इसमें अलर्ट शो कर रहा है, लो फ्यूल कर रहा है। और अगर आप इसे अपर वेरिएंट लेंगे ZXi प्लस तो उसमें आपको टच स्क्रीन मिल जाता है विथ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ। और नीचे कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको यहीं से कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहीं से आप म्यूट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं। ड्राइवर साइड डोर के बारे में बात करें तो इसमें आपको ये डोर ओपनिंग लीवर सिल्वर फिनिश में मिल जाता है और यहीं से आप इसे लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। और नीचे की तरफ इसमें आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर का स्पेस मिल जाता है और यहाँ पर मैगजीन होल्डर मिल जाता है और इसे पकड़ के आप डोर को क्लोज कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं स्पेस भी आपको ऑफर किया गया है जिसमें आप कॉइन वगैरह अपने रख सकते हैं। और ड्राइवर डोर पर किसी भी प्रकार का कोई भी आपको पावर विंडोज़ का और ORVMs का कंट्रोल नहीं मिलता है। पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, फ्रंट पावर विंडोज़ के और रियर पावर विंडोज़ के कंट्रोल की बात करें तो आपको सेंटर में मिल जाते हैं, यहीं से आप इसे एडजस्ट अप एंड डाउन कर सकते हैं। नीचे की तरफ कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो ये आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं, ड्राइवर साइड विंडोज़ का कंट्रोल है, पैसेंजर साइड पावर विंडो का कंट्रोल है। और सेंटर में आपको हजार्ड लैंप का स्विच मिल जाता है और गाड़ी को आप यहीं से इंटीरियर से ही लॉक अनलॉक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं अभी लॉक कर देता हूं, गाड़ी लॉक हो चुकी है अंदर से और इसी को आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। और ये आपको पावर विंडोज़ का लॉक करने का स्विच मिल जाता है जिसे ड्राइवर ही खाली कंट्रोल कर सकता है पावर विंडोज़ को और रियर से कोई भी कंट्रोल इसमें नहीं होगा। आप इसमें देख सकते हैं मैं इसे ऑपरेट कर रहा हूँ तो कोई भी अप एंड डाउन पावर विंडो नहीं हो रही है और इसी को आप अगेन प्रेस कर देंगे तो पावर विंडोज़ का कंट्रोल ऑन हो जाएगा। और जो ड्राइवर साइड आपको पावर विंडो मिलती है वो आपको ऑटो डाउन मिलती है, ऑटो अप का फंक्शन इसमें नहीं आता है। अगर आप इसे हल्का सा प्रेस करेंगे तो पावर विंडो रोल डाउन होने लगेगी और अगर इसे आप थोड़ा टाइट प्रेस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली विंडो पावर विंडो डाउन हो जाएगी। और इसे अप करने के लिए आपको नॉर्मल इसमें आपको इसमें बटन दबा के रखना पड़ेगा और जितनी देर आप दबा के रखेंगे उतनी देर विंडो ऊपर जाएगी। और नीचे की तरफ मैं आपको बता चुका हूँ और नीचे करना है तो आप इसको अगर नॉर्मल प्रेस करेंगे तो ये इतने नीचे जाएगी, अगर आप इसे थोड़ा कस के प्रेस कर देंगे तो ये फुल नीचे डाउन हो जाएगी। फिलहाल हम इसको बंद कर लेते हैं और बात करते हैं नीचे तरफ के कंट्रोल के बारे में। तो इसमें आप मैनुअल AC के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ से आप सेंटर सीट की ब्लोअर एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं आपको हॉट एयर चाहिए नॉर्मल एयर चाहिए और यहाँ से आप इसका एयर का डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। ये आपको डिफॉगर का ऑप्शन मिल जाता है और इस साइड आपको AC का वेंट मिल जाता है, अगर AC ऑन होगी तो इसमें AC का बटन मिल जाता है। और नीचे की तरफ इसमें आपको मैनुअली एयर सर्कुलेशन का मिल जाता है मोड, आप यहीं से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ बात करें तो इसमें आपको इस साइड डमी मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। और USB और ऑक्स की बात करें तो इसमें आपको इस साइड नहीं मिलता है, आपको इसमें ऊपर ही मिलता है, ऊपर की तरफ ही मिलता है आप देख सकते हैं। और इसमें अभी अलर्ट शो कर रहा है लो फ्यूल का और उसी के लेफ्ट साइड आपको USB और ऑक्स का स्लॉट मिल जाता है, यहीं से आप उसे कर सकते हैं। और नीचे की तरफ इसमें आपको थोड़ा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है जिसमें आप अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह अपना रख सकते हैं और उसी के पीछे आपको 2 कप होल्डर्स का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है।
बात करें गियर लीवर के बारे में तो गाड़ी ये 1 लीटर इंजन के साथ आती है जिसमें 5 स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में आपको इसमें मिल जाता है। 5 स्पीड फॉरवर्ड और रिवर्स लगाने के लिए आप यहीं से लगा सकते हैं और यहीं से आपको इसमें गाइडलाइन शो करेगा उसमें। और सेंटर में बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी स्पेस नहीं मिलता है, यहाँ अगर स्टोरेज स्पेस दे दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और क्रोम टिप फिनिश में आपको यहाँ पर हैंडब्रेक मिल जाती है और यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं। आप ये देख सकते हैं पावर विंडोज़ के कंट्रोल इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप के यूज़ किए गए हैं कंपनी ने। फ्रंट पावर विंडोज़ आपको यहाँ दे दी गई हैं और रियर पावर विंडोज़ आपको यहाँ दे दी गई हैं। और किसी भी प्रकार का ड्राइवर डोर या पैसेंजर डोर में कोई भी कंट्रोल आपको नहीं मिलता है, आप यहीं से उसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। और पीछे की तरफ आपको इसमें बेनिफिट ये है कि ड्राइवर ऑपरेट करना चाहे यहाँ से पावर विंडोज़ वगैरह तो आप वो यहीं से ऑपरेट कर सकता है, और अगर पीछे का रियर पैसेंजर यूज़ करना चाहे तो वो भी यहीं से ऑपरेट कर सकता है, जिसमें आपको कॉस्ट कटिंग थोड़ी सी दिख जाती है। और म्यूज़िक सिस्टम के आपको सराउंडिंग आप देख सकते हैं, इसमें आपको यू शेप में मिल जाता है और ये सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया है, क्रोम फिनिश नहीं है। खाली AC वेंट्स के सराउंडिंग भी आपको सिल्वर फिनिश का यूज़ मिल जाता है और यहीं से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, और इसमें क्रोम का यूज़ नहीं किया गया है। और सिल्वर फिनिश का आप यूज़ देख सकते हैं, इसमें आपको ये AC के नॉब में भी यूज़ किया गया है और म्यूज़िक सिस्टम के साइड में यूज़ किया गया और AC वेंट्स के सराउंडिंग में यूज़ किया गया। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का पैटर्न यूज़ किया गया जिसमें आपको देखने में काफ़ी एक अच्छा लगता है। और बात करें ग्लव बॉक्स की तो आपको यहीं से मिल जाता है ऑप्शन ओपन करने का, और इसमें कोई भी प्रकार का आपको इल्यूमिनेशन नहीं मिलता है, इसमें आपको डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसमें आप पेपर वगैरह अपना रख सकते हैं। और ऊपर की तरफ बात करें तो इसमें आपको मैनुअली डे नाइट एडजस्टेबल IRVM मिल जाता है, और उसके ऊपर आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल आपको इसमें हलोजन लाइट मिलती है, किसी भी प्रकार का LED का यूज़ नहीं किया गया है। इस साइड ऑफ हो जाएगी, सेंटर में आप कर देंगे तो इसे डोर खोलने पर ये लाइट जल जाएगी। और बात करें इस साइड आपको सनशेड मिल जाता है, उसी में आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। और बात करें ड्राइवर साइड सनशेड के बारे में तो इसमें आपको नॉर्मल सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है और किसी भी प्रकार का मिरर का यूज़ इसमें नहीं किया गया है। और इसमें आपको होल्डिंग लीवर भी मिल जाता है, 3 साइड आपको मिल जाते हैं, पीछे की तरफ 2 और पैसेंजर तरफ 1, और ड्राइवर साइड आपको ये नहीं मिलता है। और बात करें सीट्स के फैब्रिक के बारे में तो नॉर्मल आपको फैब्रिक मिलता है और ये थोड़ा टेक्सचर्ड है और ये आप लोग को नॉर्मल मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है, और कुशनिंग इनकी काफ़ी अच्छी है। और बात करें इनके हेडरेस्ट के बारे में तो इसमें आपको नॉर्मल फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एडजस्टेबल का ऑप्शन इसमें नहीं आता है। जो आपको इसमें रियर भी हेडरेस्ट हैं वो इसमें आपको फिक्स्ड मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें आपको हाइट एडजस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप इसे अप एंड डाउन करके यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और ये आपको लीवर मिल जाता है सेंटर में, इसी को आप ऊपर की तरफ प्रेस कर दीजिए तो ये लॉक हो जाता है। तो ये सब था गाड़ी के आगे इंटीरियर में, आइए चलते हैं पीछे की तरफ और बात करते हैं पीछे के बारे में क्या क्या फीचर ऑफर किए गए हैं और क्या सिटिंग स्पेस है। और पहले मैं ड्राइवर साइड सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, मेरी हाइट 6 फीट है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी ड्राइविंग पोजीशन एडजस्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं नॉर्मल मैंने ये एडजस्ट कर लिया है, मेरे को इतना स्पेस मिल रहा है। और हेडरूम की बात करें, हेडरूम भी मुझे अच्छा खासा मिल जा रहा है, आप इसमें देख सकते हैं मुझे हेडरूम सफिशिएंट मिल रहा है। रियर सीट में चल के बात करते हैं और रियर में कैसा सिटिंग कंफर्ट मिलता है, हेडरूम लेगरूम वगैरह, आइए चलते हैं। और रियर डोर की बात करें तो इसमें आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर मिल जाता है, और थोड़ा आप न्यूज़पेपर वगैरह रख सकते हैं, और मैगजीन आप रखना चाहें तो इसमें फोल्ड करके रख सकते हैं, नॉर्मल तो ये और किसी काम आएगा नहीं। और रियर में आपको यहाँ स्पीकर मिल जाता है। और डोर ओपनिंग लीवर की बात करें तो ये आपको सिल्वर फिनिश में मिल जाता है और यहीं से आप इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं, चूँकि ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, और ये आपको थोड़ा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। और बात करें सबसे पहले लेगरूम के बारे में तो आप देख सकते हैं मुझे लेगरूम तो अच्छा मिल रहा है, गाड़ी में स्पेस अच्छा है, और मेरी हाइट 6 फीट है, ये सीट भी ड्राइवर सीट भी मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है, और उसके बाद भी मुझे अच्छा खासा लेगरूम मिल रहा है। और हेडरूम की बात करें तो इसमें आपको हेडरूम भी काफ़ी सफिशियंट है, बहुत अच्छा हेडरूम है गाड़ी के अंदर, और गाड़ी की हाइट भी काफ़ी अच्छी है, हेडरूम भी अच्छा खासा मिल रहा है। और बात करें थाई सपोर्ट के बारे में तो आप देख सकते हैं मेरी थाइस अच्छा खासा इसमें मुझे सपोर्ट मिल रहा है, और नीचे की तरफ स्पेस भी है तो मैं लेग अंदर की तरफ डाल के काफ़ी अच्छा मुझे सपोर्ट इस पर मिल रहा है। और सीटिंग कंफर्ट तो इसमें बहुत अच्छा है, ये चीज़ मैं कहूँगा आपको, बस इसमें एक कमी ये रह जाती है कि इसमें आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिल जाते हैं, अगर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते तो थोड़ा ये आसान हो जाता, इसमें पीछे आप रेस्ट करते हैं तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। और सेंटर की तरफ बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ इसमें सिर्फ आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं, और किसी भी प्रकार का आपको इसमें चार्जिंग सॉकेट या बॉटल होल्डर नहीं मिलता, अगर बॉटल होल्डर दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, और इसमें बॉटल होल्डर का लगभग स्पेस भी है। और हम्प की बात करें सेंटर में जो हम्प है वो अच्छा खासा उठा हुआ है, लगभग 4 इंच आपको अपसाइड मिल जाता है फ्लोर से, नॉर्मल फ्लैट फ्लोर से। और इसमें आप बैठना चाहें तो इसमें आपको 2 एडल्ट और 1 बच्चा आराम से इसमें बैठ सकता है,
और पीछे की तरफ इसमें कोई भी खास वो नहीं मिलता, इसमें आपको टू पॉइंटर सीट बेल्ट मिल जाती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और तो ये सब था रियर सीट से मेरे रिव्यू, और मैं आपको इस बार एक बार डैशबोर्ड का लुक दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड का लुक कितना शानदार आता है इस वेरिएंट में, और इसमें आपको खाली टच स्क्रीन नहीं मिलता, टच स्क्रीन मिलता तो इसका लुक और भी अच्छा आता। आइए चलता हूँ पीछे की तरफ और आपको इसमें एक बार बूट स्पेस खोल के दिखा देता हूँ, इस वेरिएंट में आपको कितना बूट स्पेस मिल जाता है। और बूट ओपन करने के लिए आपको नॉर्मल लीवर मिल जाता है, जैसे आप डोर ओपन करने के लिए इसे यूज़ करते हैं, इसी को आप ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे और गाड़ी अनलॉक होगी तब ये ओपन हो जाएगा। और बूट स्पेस की बात करें तो इसमें काफ़ी सफिशिएंट बूट स्पेस मिल जाता है, और इस वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती, नॉर्मल इसमें पार्सल ट्रे भी मिल जाती जिसे आप यहाँ से हटा और लगा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ आपको कंट्रोल मिल जाता है, मैं आपको एक बार फोकस करके दिखा देता हूँ, ये आपको कंट्रोल मिलता है डिफॉगर के लिए जो कि ओपन है। ये अगर किसी तरीके से हिडन किया जाता है या हटा दिया जाता है यहाँ से तो ज़्यादा अच्छा। ये आपको दोनों तरफ मिल जाता है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको दोनों तरफ मिल जाता है। इसको थोड़ा हटा देना चाहिए था या किसी तरीके से हाइड कर देना चाहिए था। खैर बूट्स की बात करें तो ये आपको कवर्ड मिलता है, इंसुलेशन आपको इसमें मिल जाती है। और नीचे की तरफ बात करें तो इसमें आपको बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, किसी भी प्रकार का आपको इसमें इल्यूमिनेशन देखने को नहीं मिलता है। और जो रियर सीट है वो आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाती हैं, जिसे आप फोल्ड करके काफ़ी अच्छा बूट स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। और नीचे की तरफ इसमें आपको नॉर्मल स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है, जिसे आप यहाँ से हाथ डाल के एक्सेस कर सकते हैं। इसमें भी आपको आपको सेम साइज़ का मिलता है, 165/70R40 इंचेस का आपको स्टील व्हील मिल जाता है। तो ये सब था स्पेयर व्हील और बूट स्पेस की इन्फॉर्मेशन। आइए अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो इसमें आपको फ्रंट ड्राइवर एंड पैसेंजर एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक एंड इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, ABS, रियर डिफॉगर एंड वाइपर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग सेंसर एंड हिल होल्ड असिस्ट। हिल होल्ड असिस्ट आपको ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ मिलता है, मैनुअल के साथ ये नहीं आता है। तो फ्रेंड्स ये सब था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।